दोस्तों, कभी ऐसा हो कि आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए और वहां सिर्फ उतनी ही रोशनी आ रही हो जितने से आपकी परछाई भी अगर आपको दिखे तो आपकी फट के हाथ में आ जाए। तभी आपको कुछ ऐसा नोटिस हो कि एक शख्स जो है तुम्हारे करीब आ रहा है, जिसके गंदे से बाल है, खोखरालू, घने, कितना भी गंदा आप इमेजिन कर लो वैसे। यानी उसके बाद जब जैसे ही थोड़ा और करीब आ जाए और जो छोटी सी जो रोशनी आ रही है और उसके जरिए जब वो चेहरा गंदा सा देखने को मिले और आपको पता चले कि ये भाई चुड़ैल है, दूसरे पल भी आपको पता चले कि साथ में एक और है जिसके लंबे दांत हैं, गंदा सा चेहरा है और एक वो भूत है। लेकिन तभी आपको ये रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि आप उसे छू लेंगे या कुछ भी ऐसा कर लेंगे कि यार ये तो खिलौने हैं और यही चूतिया काटते हैं। हमारे सामने मडगांव एक्सप्रेस के मेकर्स नजर आए हैं, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट करा दलाल ऑफ वुल्फ स्ट्रीट हंसल मेहता के साथ, जो पिंकू है, अगर इसका नाम पिंकू होता तो। देन उसके बाद बम्बई का राजा आयुष, देन उसके बाद मिर्जापुर का किंग अपने मुन्ना भैया उर्फ डोडो, क्योंकि यही तीन नाम इसमें होने वाले हैं। मडगांव एक्सप्रेस भाई इसकी कास्ट टाइटल अनाउंसमेंट हो चुका है। देन उसके बाद हमें मूवी में क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब इस टीजर की स्टार्टिंग हुई थी, जब इसे अनाउंस बड़े ही भयंकर तरीके से हुई, मतलब मिर्जापुर का किंग भाई दिव्यंदु का इंट्रोडक्शन, देन हंसल मेहता भाई शेयर मार्केट का किंग, उसका जबरदस्त इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद भाई किंग ऑफ बम्बई उसका इंट्रोडक्शन हुआ, तो ऐसा लगा कि भाई ये ना दमदार तैयार कर रहे हैं, कोई ऐसी एक वेब सीरीज जो आग फाड़ जाएगी, मतलब इन तीनों से ऊपर निकल जाएगी। लेकिन अगले ही पल जो उन्होंने झुंझुना पकड़ाया है, कॉमेडी मूवी आने वाली है, मडगांव एक्सप्रेस करके इसका नाम है। क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ नहीं भाई, इतना कुछ अभी रिवील आउट नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो पता लग गया है जिस हिसाब से इन तीन भारी भरकर कैरेक्टर का जो भाई लीजेंड है अपने वेब सीरीज के, जो लाइन है किंग है अपने उस क्षेत्र के, जो उस वेब सीरीज में रोल प्ले कर रहे हैं, नाम इनके पिंकू, आयुष एंड डोडो होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ सिर्फ कॉमेडी फन एंड ड्रामा देखने को मिलने वाला है। किस हद तक देखने को मिलने वाला है भाई, वो प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि टीजर में एक्साइटमेंट है, टू मच एक्साइटेड, जो अभी ये भी बोल लेते अपने हंसल मेहता भाई। डायरेक्टर कुणाल खेमू होने वाले हैं। ट्रेलर आपको 5 मार्च को देखने को मिल जाएगा और मूवी कब मिलेगी, 20 मार्च को। भाई मार्च बहुत दमदार रंगीन होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लेकिन कास्ट में ये तीन तो है ही एच फेस, दूसरी तरफ मेकर्स ने ये क्या चूतिया काट दिया कि भाई क्या मजबूरी है कि आप नोरा फतेही को ऐसे एज कास्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं। आइटम सॉन्ग ही करवा भाई, वो उसी के लिए बनी है। देन उसके बाद और भी क्या मजबूरी या फिर क्या ही दिक्कत आ गई होगी कि रेमो डिसूजा का भी नाम हमें कास्ट में देखने को मिल रहा है। तो ये दो लेजेंडरी आर्टिस्ट अगर हमें यहाँ देखने को मिल गए तो माँ बहन करने में कोई कमी नहीं रहेगी मडगांव एक्सप्रेस की। ट्रेलर 5 मार्च को आ जाएगा, मूवी 20 मार्च को आ जाएगी। ट्रेलर से अभी और क्या निकल के आएगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी मोटा मोटा यही पता चल रहा है कि कॉमेडी मिलेगी भाई, दमदार कॉमेडी मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, ट्रेलर में मिलेंगे इसके रिव्यू के साथ। बाकी बाय बाय।